हेलो एंड वेलकम टू भुक्कड़ जॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए हमस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मिडिल ईस्ट की एक बहुत ही पॉपुलर डिश है। इसको आप एज अ स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप जो फलाफल बनता है, फलाफल में ये बहुत ही, उसके साथ आप इसे खाइए, बहुत अच्छा लगता है। पीटा ब्रेड, जो भी मिडिल ईस्ट के रेसिपीज़ हैं उनके साथ इसको आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा जाता है उसके साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चिकपी को ओवरनाइट सोक कर लेंगे और फिर बॉईल कर लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, सॉफ्ट होने तक इसको बॉईल करेंगे अच्छे से। और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, करीब एक लेमन का मैंने यहाँ पर जूस लिया है। और फिर गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर की जगह आप रोस्टेड गार्लिक भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें रोस्टेड सेसमी सीड, साथ में डालेंगे हम ऑलिव ऑयल, करीब 4 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल इसमें डाला है, नमक, और इन सबको अभी थोड़ा सा हम पीस लेंगे, क्योंकि हमारा जो चिकपी है ना वो बॉईल किया हुआ है। तो पहले हम लोग बिना किसी भी पानी वगैरह के इसको डालेंगे। अगर अभी हमें ज़रूरत पड़े तो जो भी चिकपी हमने बॉईल किया था उसमें जो पानी बचा उसे आप फेंके नहीं, उसे रख लें, और इस समय इस चिकपी में वो पानी डाल दीजिए। चिकपी को जब मैं बॉईल की थी तो उस समय नमक या हल्दी कुछ भी नहीं डाली थी। और अब इसको हम लोग एक स्मूथ बैटर होने तक पीसेंगे। इन बिटवीन अगर आपको लगा कि आपका बहुत ही स्मूथली नहीं चल रहा है तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल देखिए, एकदम एक स्मूथ सा बैटर हमारा बनकर के तैयार हो गया है। बहुत ही इजी क्विक रेसिपी है ये, और पर खाने में उतना ही स्वादिष्ट, बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर खाइए। और फिर इसके ऊपर इस तरह से हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे ऑलिव ऑयल, और थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए मैं इसमें पेपरिका, या फिर अगर पेपरिका आपके पास ना हो तो आप रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। और देखिए, बस बनकर तैयार हो गया है हमारा हमस। तो आप इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट के थ्रू बताना ना भूलें।